सो आज नाश्ते में बना है सेमिगे। हे गाइस, इंशाल्लाह मातेला वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अभी नाश्ता वाश्ता करके सब हो गया, सेमिगे बनाया था और मम्मी को आज आया है बुखार थोड़ा। अगर मम्मी आज किचन में दिख रही है काम करते हुए, तो मैं हजार बार बोल चुकी कि काम मत कर, मैं करती हूँ, बट मम्मी नहीं सुन रही है मेरा। क्यों नहीं सुन रही है? अभी बाजी मुर्द कर रही है दिमाग को ना। तो अगर ये दिखेगा और फिर कमेंट पर लोग बोलेगा हाँ अम्मा की हेल्प मत करे आपको जाए। और ये अगर मेरा गलती कुछ नहीं है, मम्मी चलाने को सुन नहीं रही है किचन से। बाहर बनेगा खाने में मोस्ट प्रोबेबली गंजी, और मैं बनाऊंगी इधर गोभी ना, गोभी का भाजी डैडी के लिए, चपाती खाने चपाती के साथ खाने के लिए। और मेरे लिए मैं मसाला राइस बना दूंगी। कई को खुजली होते क्या हाथ में? काम नहीं किया तो सुन ही नहीं रही, कुछ ना कुछ तो कर ही रही है। फाइनली मेरा चार्जर आ गया था कल, दिल को सुकून मिला, चार्जर आ गया। और एक चीज़ ऑर्डर किया है, तो वो कब आएगा पता नहीं, उससे उसके साथ कुछ मेरे को एक्सपेरिमेंट करना है। वो जब आएगा तभी पता चलेगा आपको। ये मेरा चार्जर के बाद वाला चार्जर है दीदी का। हाँ वो चढ़, ये होता नहीं है ना, पर उसने बराबर हम लोग होता है क्या होता नहीं। अरे अब्बा इतना दुड्डो करना थी नहीं यार, इन्हें यार दुड्डे यार ना अंडा आये ये चार्जर चार्ज आओ दिखले ना तमाम कुनो इंचो उंचो पत्तू मोई कुनो इंचो पत्तू मोई कुनो अंचो डाला वही पूजिया ना ये रोई पूजिया। हाँ नहीं तो कुछ क्यों बोलते हैं? कुछ ही नहीं बोलते। पूजा में ध्यान दो। पूजा में अभी टाइम है, अभी बच्चे लगा रहे ना। हाँ ध्यान दो। अभी तेरा मोबाइल है, अभी तक मैं यूज़ नहीं कर रही है। ये मेरा मोबाइल है। और किधर गया? ये भी मेरा मोबाइल है। ये मेरा मोबाइल है। ये मेरे को दीदी ने गिफ्ट किया था, ये डैडी ने निकाल दिया था। वो भी तेरा ही है? ये सबसे पुराना फोन, मतलब मेरा फर्स्ट फोन। अभी ये जब भी मैं कॉलेज में लगी थी 11th 12th स्टैंडर्ड, तो दिस वॉज माई फर्स्ट फोन। लूमिया था, फिर उसके बाद था माइक्रोमैक्स, फिर माइक्रोमैक्स के बाद ये मोटो लिया। ये मोटो डैडी का है, ये दीदी का गिफ्ट है। और अब भी मैं यूज कर रही हूँ, मेरे पैसे का है। मतलब मैंने खुद ने लिया था वो, खुद के पैसे से, मेरी कमाई से। अच्छा दिल को सुकून मिला था, खुद के कमाई से लिया। हाँ हैंडकरचीफ और ईयरफोन घूमता है। इसके लिए मैं कभी भी ज्यादा पैसे का ईयरफोन नहीं लेती। मैं जो रस्ते में 100-100 रुपए का मिलता है, जो एक महीने में खराब हो जाता है, वो वाला यूज करती हूँ। अभी खराब हो गया तो क्या करे ना? खराब कैसे होता है, संभाल के रखो ना। खराब होते बोले तो वो बोलेगा तो देव रे वंजी आन दाए 15 बत्ती नहीं आन मुलू दाए 15 बत्ती निकले गया ना कि मैंने मेरा चार्जर आ गया है। बेडरूम में जाके बोलना चाहिए था। चार्जर का बॉक्स किधर गया? जो पार्सल के बारे में बात करी थी वो आ गया है। मेरी मम्मी जो बात करते करते मिक्सी चालू कर देती, और एक मेरा डैडी घंटी निक बन पीनी चर्बी नेक चर्बी बन पीनी इन मंडे देख के रहा था आई का चर्बी बन पे तो भूखा रहा है, फिर भी बाल धोई है। मेरे को तो काबिल ही नहीं मानती किचन में काम करने का। मैं बार बार कॉल पकड़ती तो बार बार अंदर आती। तेरे को दिया अभी तक बनाई क्या? मैं बनाएगी, तू बाहर जा। मैं ये भी बना सकती हूँ। हाँ बना सकती हूँ मालूम है, तू पहले बाजी बना। मैं ये बना के चाय बना के जाती है। गरम हो रहा है,
गोली का है ना। आज मैं बनाऊंगी मेरे स्टाइल में भाजी गोभी का। तो अभी मैं डाल रही हूँ इसमें ऑयल। इसमें हम डालेंगे अभी राई, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। चूरे पड़ना ना बट डालेंगे हम। एक डिस्टर्बर पर्ची, एक डंडी का कड़ी पत्ता और तीन मिर्ची। अभी इसमें हम डालेंगे कांदा। अभी हम डालेंगे टोमेटो, डालेंगे हम हल्दी। अभी मैं इसमें डाल दूं थोड़ा सा ये रसम पाउडर। मैंने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे फॉर पील ऑफ मास्क और सब जगह यही था जेलेटिन जेलेटिन जेलेटिन। सो मैं बहुत एक्साइटेड थी ये ट्राई करने और एक्सपेरिमेंट करने की सच्ची का ये रिजल्ट मिलता है कि नहीं। सो मैंने ये जेलेटिन पाउडर ऑर्डर किया था। सो देखते हैं इससे कुछ रिजल्ट मिलता है क्या। अपना ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वैसे तो मेरे को इतना है नहीं, पर थोड़ा बहुत व्हाइट हेड्स ऐसा अभी आ रहा है क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ लगा ही नहीं हूँ फेस पे। बहुत महीने हो गए कि मैं कुछ ना वो अपन होम रेमेडीज करते हैं ना बेसन हल्दी वो सब कुछ भी नहीं लगाया। सो इसके लिए मेरे को ट्राई करके देखना है एक बार कि ये रिजल्ट देता है कि नहीं। और मेरे को पील ऑफ मास्क है ना बहुत पसंद है, वो मजा आता है वो करने। और उसके बाद जो स्मूथ होता है ना फील, एकदम स्मूथ फील होता है ना, वो मजा ही आती है। सो इसके लिए मेरे को ट्राई करके देखने का था इसलिए मैंने ऑर्डर किया। अभी देखती हूँ शाम में ट्राई करके एक बार कि इसको कैसे यूज़ करना है। जेलेटिन पाउडर लेना, उसमें थोड़ा गरम गरम वाटर और एल्स ये और दूध दूध डाल के मिक्स करके पेस्ट बना के लगाना है। मैं मोस्ट प्रॉब्लमली तो अभी फिलहाल के लिए कि नोज पे यूज़ करूँगी क्योंकि लिए फर्स्ट टाइम है ना, मेरे को पूरा मुंह पे लगा के एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। सो सिर्फ नोज पे यूज़ करके देखूँगी क्या रिजल्ट मिलता है। सो जस्ट नाउ आई रियलाइज कि मैंने ये कान में पहना ही नहीं और ये कान में पहना हुआ है। मैं मेरे लिए बना रही हूँ अभी मसाला राइस और डैडी खाना खा रहा है ऑलरेडी और मम्मी भी अभी खाएगी। मेरा मसाला राइस कुकर में है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7 एंड मैंने यहाँ पे बत्ती लगा दिया है आज। और अभी इट्स टाइम टू वो पील ऑफ मास्क ट्राई करने का होता है कि नहीं। सो अभी मैं दूध गर्म करती हूँ। मम्मी यहाँ पे एज ऑलवेज मम्मी से बात करिए। तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी। अभी मैं पहला इसमें मैं थोड़ा ना नाक को गर्म पानी से ये करूंगी। अच्छा म्यूजिक दे रही है तू है? अच्छा म्यूजिक दे रही है। इसमें मैं डालूंगी गरम गरम दूध। सो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी मैं इसको अप्लाई करती हूँ। इतना साल से ऐसे ही बैठा है।
दिख रहा है, अभी मैं इसको रखूंगी आधे घंटे के लिए और फिर निकालूंगी अगर सूखा तो। सो आफ्टर वन आवर ये सूख गया है फाइनली, थोड़ा थोड़ा इधर इधर गिल्ला है बट, और मेरे को वेट करने कंटा लग रहा है। उन्होंने बोला था आधा घंटा यूट्यूब वीडियो में, बट ये कुछ ज़्यादा ही, शायद मैंने ज़्यादा ही मोटा लगा दिया, तो ये निकाल दिया। स्मूथ लग रहा है। तो ये देखो, ये जो है ये वाइट हेड्स है, ये बाहर आया है वैसे तो, लग तो रहा है। फ्रेंड्स ये फील हो रहा है कि पहले कैसे लग रहा था मेरे को, इधर थोड़ा ऐसे ऐसे रफ रफ टाइप, जैसे स्किन निकल रहा है वैसा टाइप फील हो रहा था, अब वो फील नहीं हो रहा है, अभी एकदम प्लेन एंड सॉफ्ट लग रहा है। एंड थोड़े बहुत मैं देख सकती हूँ वाइट हेड्स आ गए हैं बाहर, बट थोड़े थोड़े इधर है अभी भी, मतलब ऊपर उठ के आए हैं, तो मैंने स्क्रेप करके निकाला है। बट आई कैन से 60-70% वर्क किया है। या आई विल ट्राई इट वंस अगेन, मेरे को अच्छा लगा ऐसे तो, बट सूखने थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। आई थिंक मैंने जो बहुत मोटा लेयर लगा दिया तो सूखने थोड़ा टाइम लगा, बट रिजल्ट वॉज गुड, मतलब चारकोल मास्क से बेटर था। या इट मेक्स योर स्किन सॉफ्ट सॉफ्ट, और जिसको वाइट हेड से ब्लैक हेड से उनको शायद ज़्यादा कड़क बोलते ना वैसा करना पड़ेगा, तो क्योंकि ना मेरे को बिल्कुल पेन नहीं हुआ। जिसको वाइट हेड्स है ब्लैक हेड्स है शायद उनको ज़्यादा पेन होगा, मेरे को पेन नहीं हुआ जैसा वो लोग वीडियोस में बताए। सो या आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल दैट टाइम बी सेफ बी हैप्पी हैव फन, सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।